नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विपरीत मौसम में सोयाबीन की फसल में होने वाले नुकसान को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां या तकनीकी है जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है, उसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे खेत में हम क्या कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप हमेशा याद रखें कि हमारे पास जितने भी कार्बनिक खाद है, चाहे वो गोबर की खाद हो या मुर्गी की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, 5 से 10 टन प्रति हेक्टर जिसकी की गोबर की खाद की अनुशंसित मात्रा है, यदि आपके पास सफिशियंट मात्रा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने खेत को बारी बारी से बदल के इसको प्रयोग करें। और उसके साथ साथ हम जब जुताई करते हैं सोयाबीन की खेती में, तो प्रत्येक वर्ष गर्मी में गहरी जुताई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कुदरती जो संसाधन है उसको कम से कम उपयोग करें और इसीलिए 4-5 साल में एक बार गहरी जुताई कर ले, और बाकी के वर्षों में हमें क्या करना है कि विपरीत दिशाओं में कल्टीवेटर चला के खेत की हमें तैयारी करनी है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि नमी संरक्षण के हम कौन कौन से पद्धतियाँ अपना सकते हैं। तो आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा एक ऐसी मशीन का विकास किया है जिसका नाम है सब सॉइलर। ये ऐसी मशीन है, काफ़ी गहराई तक ज़मीन के अंदर जाती है। जब खेत की तैयारी आप करते हैं उस समय पे 10 मीटर के अंतराल पे आप आड़े और खड़ी दिशा में इसको चलाएं, जिससे कि हमारे जो वर्षा का जल है वो अधिक गहराई तक हमारे खेत में जाता है और सूखे की स्थिति में हमारी फसल को बचाता है। इसी प्रकार दूसरी जो दो मशीनें हमने विकसित की है, पहली मशीन है BBF सीड ड्रिल और दूसरी मशीन है फर्प सीड ड्रिल। अब इसको ऐसे देखें कि हमें पद्धतियों में बदलाव करना है। जैसे कि आप हमेशा से सीड ड्रिल के माध्यम से हम बोनी करते हैं, अब उसके जगह पे BBF सीड ड्रिल नाम का एक नया मशीन आया है। इससे क्या होता है कि बोनी के साथ साथ दोनों साइड में गहरी नालियाँ बनते हुई जाती है, जो कि पानी की निकास के लिए या जल संचयन के काम का उपयोग होता है। इसी प्रकार दूसरी जो सीड ड्रिल है, जिसको कि रिच फरो फर्प सीड ड्रिल कहते हैं, तो प्रत्येक कतारों के बाद में एक नाली बनते हुए जाती है जो कि ड्रेनेज और जल संचयन का काम करती है। यदि ये मशीनें आपके पास नहीं है तो किसान भाइयों, डरने की कोई बात नहीं है। हमें ये करना है कि आप निश्चित अंतराल पर सुविधा के अनुसार 3, 6 या 9 कतारों के बाद में देसी हल चला के अपने खेत में नालियां बना लें, उससे भी यही फायदा होगा।